सारा प्रणाम। स्कूटी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। मेरे पीछे आप लोहिया पार्क देख पा रहे होंगे और आपको कुछ कुछ अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं समाजवादी पार्टी गढ़ में हूं। जी हां, मैं मैनपुरी में हूं। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का अभेद किला कहा जाता है। आप इसे इस तरह से समझिए, पिछले 22 सालों से मैनपुरी पर लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा है। कर्म भूमि मुलायम सिंह यादव की रही है। यहीं से वो चुनकर संसद तक पहुंचे, यहीं से वो मुख्यमंत्री बने और यहीं से वो रक्षा मंत्री तक का सफर तय करते हुए नजर आए। आज भले ही वो मौजूदा राजनीति में सक्रिय नहीं हो, लेकिन बावजूद इसके 2019 में यहाँ से वो सांसद हैं। यानी कुल मिलाकर जनता का साथ लगातार मुलायम सिंह के साथ बना रहा मैनपुरी सीट पर। हालांकि 2017 की अगर हम बात करें तो पासा जरूर पलटा। मोदी लहर के बीच में मैनपुरी की 4 सीट में 3 सीट तो सपा जीतने में कामयाब रही, लेकिन 1 सीट बीजेपी ने निकाली और योगी सरकार ने भी अपने बढ़ते कदम दिखाते हुए यहाँ पर राम नरेश अग्निहोत्री के रूप में मंत्री भी दिया। पिछले 4 सालों में क्या कुछ यहाँ पर बदला है, ये जानने की कोशिश स्कूटी रिपोर्टर करेगी जनता के बीच जाकर। तो चलती हैं और करते हैं यहाँ की पड़ताल। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में वोट डाले जा रहे हैं? वोट डालेंगे मैनपुरी विकास के आधार पे। जी बिल्कुल। 4.5 साल में विकास दिखता है आपको यहाँ पर हुआ हो? जो भी विकास किया है वो समाजवादी पार्टी ने किया है यहाँ पर, और किसी सरकार में विकास मैनपुरी में नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो राम नरेश अग्निहोत्री जी मंत्री भी हैं, तो मंत्री जी ने कुछ नहीं किया? नहीं, बहुत जो कुछ किया भोगाव में किया है, ये मैनपुरी में कुछ नहीं किया। आप बताइए, आप भी सहमत हैं? राम नरेश अग्निहोत्री अपने लिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं, वो जनता के लिए तो बाद में कुछ करेंगे। यहाँ जो भी विकास हुआ है आज तक वो समाजवादी पार्टी ने किया है, बीजेपी माने निल। ना बीजेपी को यहाँ से कोई वोट मिलेगा, ना यहाँ से कोई सीट निकलेगी बीजेपी की। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी की पार्टी मतलब सरकार बनने जा रही है। जातीय समीकरण के आधार पर वोट डाले जाएंगे या फिर विकास के नाम पर वोट डाले जाएंगे? सुरक्षा के मुद्दे पर डाले जाएंगे। जो गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी शासन में होती है वो इस वक्त रोक लगी हुई है, बिल्कुल टोटल गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। आप तो हम हैं व्यापारी और व्यापारी को चाहिए सुरक्षा। पेट्रोल हो जाए 300 रुपए लीटर, लेकिन सुरक्षा मिले, कोई हमारी बेइज्जती ना कर पाए, वो नहीं हो रही। आप कह रहे विकास नहीं हुआ, कह रहे सुरक्षा कितनी ज्यादा है। गुंडे की बात कर रहा है, गुंडे खुद ही बीजेपी वाले थे, अब ये कहते हैं प्रदेश में कोई दंगा नहीं हो रहा। दंगा करने वाले तो बीजेपी वाले हैं, ये दंगा करते थे। यही मान लेते हैं कि बीजेपी वाले गुंडा दंगा करते हैं, लेकिन दंगा तो नहीं हो रहा। मतलब तो ये कि दंगा नहीं हो, बीजेपी वाले करते हैं मान लिया हमने, लेकिन दंगा तो नहीं हो रहा, शांति तो है। तो भैया तो बात वही है ना, चोर के हाथ में चाबी दे दी तो दंगा होगा कहाँ से? बात तो वो है, देश सुरक्षित है तो बनी जान दो चोर पर चाबी। चोर पे चाबी बनी रहने दो। हम 150 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल नहीं खरीद सकते हैं भाई। एक एक अंधभक्तों के लिए एक पंप अलग खुलवा दिया जाए और हम लोगों के लिए एक अलग खुलवा दिया जाए। हम लोगों को 70 रुपए मिल जाए और अंधभक्तों को 200 रुपए लीटर मिल जाए, वो ज्यादा बेटर है। महंगाई से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सुरक्षा पहले है, सुरक्षा पहले। सुरक्षा कहाँ, मतलब कहाँ डकैती पड़ी जा रही है भाई, कहाँ कौन लूट जा रहा है? जितनी गुंडागर्दी इस राज्य में चल रही है इस आज तक किसी राज्य में नहीं चली है। समाजवादी पार्टी के शासन में बैंक से 50,000 रुपए निकालने जाने तो एक आदमी संग जाए या असला ले जाओ, अभी 6 लाख निकाल लो कोई फर्क नहीं। आपको लगता है गुंडागर्दी खत्म हुई है पिछले 4.5 सालों हो गई? खत्म हो। सरकार बढ़िया काम कर रही है? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। सुरक्षित है आप? सुरक्षित है। किसको वोट देने जा रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी? आप बताइए। बीजेपी को। बीजेपी सपा का गढ़ है और यहाँ पर देखिए बीजेपी सपोर्टर्स बहुत मिल रहे हैं, आम लोग हैं। आप बताइए किसको वोट देंगे? क्या किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी बनने जा रही है। बीजेपी की? आप बताइए। बीजेपी। आप बताइए। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, ये धरती पुत्र मुलायम सिंह की धरती है। सरकार किसी की भी बने यहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ही जीतता है। लेकिन यहाँ पर तो लोग हैं बहुत सारे, कह रहे हैं कि विकास हुआ है और सपोर्ट पूरा बीजेपी की तरफ है। नहीं, विकास तो बीजेपी ने यहाँ मैनपुरी में कहाँ कराया? यहाँ जो भी विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी का कराया हुआ है। मैनपुरी में बीजेपी का कोई विकास नहीं। मैनपुरी में बीजेपी ने कोई विकास नहीं कराया? पूरा विकास है, क्यों नहीं विकास है? हाँ। आपको क्या विकास चाहिए? आप चाहे अस्पताल देखिए, चाहे आप कोई भी सेक्टर देखिए, जो कोल हमारा, हम लोग मेन जो बिजली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती थी, कोल सेक्टर हमारा 22% डीग्रोथ था, बीजेपी की सरकार के आने का 36% की ग्रोथ पर जा रहा है। चाहे हमारा रक्षा बजट देखिए, चाहे हमारा कुछ भी देखिए, आदमी कहता महंगाई महंगाई, कौन सी सरकार में नहीं हुई मुझे बताइए आप? सपा सरकार में महंगाई नहीं क्या? बसपा सरकार में महंगाई नहीं है क्या? आप कारोबारी हैं? जी मैं कारोबारी हूँ, एरिया मैनेजर मैकलियर्स फार्मेस्को लिमिटेड। कारोबार खत्म हो गए हैं?
इस गवर्नमेंट में आके कारोबार बचा ही नहीं, कारोबारी बचा कहाँ है? और जो तो ये गवर्नमेंट तो गरीबों की हत्या करने के लिए बनी हुई है। कारोबारी कह रहे हैं कि दुकानदारी हमारी अच्छी चल रही है, हम खुश हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ। कारोबार कोई नहीं चल रहा है, कारोबारी सब बेकार है, कारोबारी कुछ नहीं चल रहा है। देखिए हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है अपनी, जैसे हो सकता मेरी सोच है मुझे दाल चावल पसंद, भाई साहब हो सकता पनीर मटर पसंद हो, सोच अलग अलग है, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रूप से कहीं देखें या डाटा के अनुसार देखें तो ऐसा नहीं, कारोबार खत्म, दाल रोटी मिल जाए वही काफी है। क्या बताइए, मिलने के लिए तैयार है। किसके साथ हैं आप, किसके सरकार बनवा रहे हैं? बीजेपी के साथ। ये देखिए यहाँ पर बीजेपी सपोर्टर्स बहुत निकल कर सामने आ रहे हैं, और बड़ी बात दरअसल इसलिए एमएसटी कोट कर रही हूँ क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, ये मुलायम सिंह की कर्म भूमि रही है और यहाँ पर बीजेपी की तरफ लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक्चुअली उनकी जो समाजवादी की जो विचारधारा है ना, उनकी जो विचारधारा एकदम अलग ही पड़ जाती है। उनकी जो पॉलिसीज हैं वो उनकी पॉलिसीज है ना, एक ग्रोथ के लिए नहीं, एक स्पेसिफिक विचारधारा के लोगों के साथ वो लोग सपोर्ट करते हैं। अगर उनकी जो विचारधारा है, अगर विकास के साथ वो सपोर्ट करते हैं और उनकी जो विकास को सपोर्ट कर रहे हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव ने काम कराया यहाँ पर? अखिलेश ने जितना काम कराया इतना किसी ने नहीं करवाया। अखिलेश यादव ने 4 लाइन बनवाई, अखिलेश यादव का सभी विकास है, मैनपुरी में जो विकास है वो समाजवादी का विकास है। आप बताइए, अखिलेश को सपोर्ट करते हैं? ये आप पीछे देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे ये देखिए, ये मैनपुरी यहाँ पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम है और ये यहाँ पर हम बस अड्डे के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ये भी अखिलेश यादव ने ही बनवाया था, और लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव ने भले ही काम किया हो लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद उसका असर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तमाम लोग और लोगों से भी हम बातचीत करते हैं। आप बताइए, आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं? हम तो अखिलेश जी बनवा रहे हैं। अखिलेश, क्या काम अखिलेश ने किए हैं? मेरे यहाँ मेरे गाँव में सड़क भी करवाई है, खरंजे भी करवाए और सारे काम करवाए। आप बताइए। मैं ये बता रहा हूँ, बाबा जी ने जो ये गाय डलवाई है इसमें किसान बर्बाद हो गया है, अन्न खाने को नहीं है, गाय पल नहीं रही है, ये कहाँ से आएगा? किसान ही बर्बाद हो जाएगा, कौन इसका पालन पोषण करेगा? बाबा जी डबल अनाज देने से जनता को पाल देंगे क्या? जब किसान का अनाज ही पैदा नहीं होगा क्या होगा आगे चल के? बताइए, 50 रुपए का गेहूं देंगे? ठीक है, आप बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सरकार, बहुत सारे लोग हैं उनसे भी बातचीत करने के। अंकल आप इधर आइए, आप बताइए आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप? वो तो बीजेपी की बनेगी सरकार, और क्या, बीजेपी की बनेगी। काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तभी लोगों को आराम मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कि सारा काम ये बस अड्डा भी अखिलेश ने बनवाया। तो अपने अपने जमाने में सभी का कर्तव्य है, सभी अपने अपनी पार्टियों में काम करा, तो बीजेपी ने तो अभी तक काफी सड़कें बनवाई है। यहाँ पर देखिए मिक्स रिएक्शन मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। बाबा आपने तो बहुत सारी सरकारें देख ली होंगी, आपने सपा की भी देखी होगी, बीएसपी की भी देखी होगी और बीजेपी की भी आप देख रहे हैं, कौन सी सरकार ने बेहतर काम किया? अब आना तो कौन सी सरकार ने बाहर नहीं कर रही, किसी सरकार ने अच्छा नहीं किया आपके मुताबिक? अरे केवल मुलायम सिंह के अलावा। अच्छा, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए क्या, किस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं आपके मुताबिक, कौन सी सरकार ने काम किया है? सपा सरकार है सर, सपा सरकार। सपा सरकार, भाजपा ने तो बहुत दुखी रखा है। क्या नहीं हो पाया जो आप उम्मीद कर रहे थे? कोई विकास कार्य नहीं, जो सारा विकास कार्य सपा का है, 2000 रुपए दे के सारी जनता को मिलवाए हुए हैं, सारी खेती जो है जानवरों द्वारा उजरवा रहे हैं। बाबा आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे, कौन सी सरकार ने बेहतर काम किया है यहाँ पर? बीजेपी ने। लेकिन यहाँ लोग कह रहे हैं कि जो कुछ किया है अखिलेश ने किया है, मुलायम जी ने किया है। नहीं, बीजेपी ने किया, भूखों तो नहीं मार रही है, राशन दे रही, फ्री और दे रही, पेंशन बढ़ा दी विकलांगों की, आश्रितों की, बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, किस सरकार ने बेहतर काम किया है? अखिलेश सरकार ने बेहतर काम किया है। तेज वाली सरकार में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है, 70 सालों तक बढ़ी, लेकिन इसमें तो 5-6 साल में उसकी दुगनी तिगनी बढ़ गई, इसलिए मेरे ख्याल से अखिलेश सरकार आनी चाहिए, बेहतर काम करेगी। बेहतर व्यवस्था मैनपुरी में किस सरकार में हुई? बेहतर व्यवस्था अभी चल रही है, अभी ठीक चल रही है, अभी ठीक चल रही है, सरकार बढ़िया काम कर रही है, सही चल रही है। बेहतर वापसी किसकी होनी चाहिए? अब क्या जानकारी है बेहतर, आप बताइए आपके मुताबिक कौन आना चाहिए? ये चल रही, यही ठीक चल रही फिलहाल, तो योगी की वापसी, आप बताइए किसकी वापसी होनी चाहिए, कौन सी सरकार बेहतर है? बेहतर बीजेपी है। बीजेपी, आप बताइए क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार बना पाएगी? आपका क्वेश्चन ये है तो आप बताइए कौन सी सरकार बेहतर।